हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। यहाँ बात करेंगे इस शेयर के बारे में जिसके अंदर अगर आप देखें तो बढ़िया रिटर्न निकलते हुए दिखाई दिए हैं। एक साल का मैंने चार्ट लगाया, 228% तक की रैली इस शेयर के अंदर आती हुई नज़र आ रही है। इसके बावजूद अभी भी इस शेयर के ऊपर कितना और दम बाकी है, उस चीज़ को समझेंगे और कैसे ब्रोकरेज हाउस इस शेयर के ऊपर एक बढ़िया रणनीति के साथ खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि इस शेयर में अभी भी वो रॉकेट वाली फुर्ती है जो अभी इस शेयर ने दिखाई है। 228% तक का रिटर्न एक साल के अंदर और अभी भी मजबूती इसी हिसाब से इस शेयर के अंदर आने वाली है। मैं बात कर रहा हूँ मेजागन डॉक शिप बिल्डर की, जिसने प्रीवियसली अगर आप देखें मैक्स अगर चार्ट लगाते हैं तो 416% तक के रिटर्न जनरेट करते हुए दिखाए हैं। जिस दिन से इसकी लिस्टिंग हुई है उस दिन से ये शेयर मजबूती के साथ भागता हुआ नज़र आया है। अगर आपके पास इस शेयर की होल्डिंग उस समय से है जब आपके पास इस शेयर की अलॉटमेंट आई थी, तो आपके लिए खुशखबरी ये है कि अभी भी ये शेयर बड़े दमखम के साथ दौड़ता हुआ नज़र आएगा। और उसका रीज़न ये है कि जो ब्रोकरेज हाउस हैं इस शेयर के ऊपर बुलिश होते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी कि अभी भी इस शेयर के अंदर दमखम बहुत मजबूती के साथ आपको आने वाले टाइम में दिखाई देगा। अगर आप यहाँ इस खबर को पढ़ते हैं तो एक चीज़ दिखाई देगी कि इसने लगभग 9 महीने के अंदर ही आपको 300% तक के रिटर्न जनरेट करते हुए दिखाए हैं। और ये 9 महीने वो हैं जहाँ पर इस शेयर के अंदर एक अच्छी खासी जो गिरावट आई थी और उसके बाद से ये शेयर कंटिन्यूसली भागता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इस शेयर के अंदर जिस हिसाब से फुर्ती नज़र आ रही है और अभी भी ये शेयर लगभग जो टारगेट के साथ भागता हुआ नज़र आ रहा है, वहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि कैसे इस शेयर के ऊपर अब जो अपसाइड वाले लेवल हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो आप इस जगह पर देख सकते हैं। ये 940 और 1050 आर अचीवेबल जो इस शेयर के ऊपर खबर आती हुई नज़र आ रही है। इसका एक और प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे 1050 का जो टारगेट है वो ये शेयर चेस करता हुआ नज़र आएगा। अगर आप इस शेयर के अंदर बैठे हैं और कोई बड़ी गिरावट इस समय अगर आती है तो इस शेयर के ऊपर आप एक अच्छा खासा दाव खेलने से बिल्कुल मत चूकिएगा, क्योंकि अब इस शेयर के ऊपर मैं आपको वो दिखाने वाला हूँ कि कैसे इस शेयर के ऊपर एक बड़ी मजबूत खबर है जहाँ पर ये शेयर ऊपर की तरफ भागता हुआ दिखाई देगा। डॉक शिप बिल्डर टारगेट ऑफ 1025 का ये आज 7 दिसंबर का दिन है, यहाँ पर ये आता हुआ नज़र आ रहा है 2022 2:00 और 1025 ICICI डायरेक्ट ने इस शेयर के ऊपर रिकमेंडेशन की जो बाइंग दी है वहाँ से ये शेयर आपको आगे भागता हुआ नज़र आएगा। तो डेफिनेटली अभी जो प्राइस है वो बहुत नीचे है और अभी भी इस शेयर के ऊपर जो लेवल नज़र आते रहे हैं और जिस हिसाब से टारगेट प्राइस इसका दिखाई दे रहा है, मैं एक बार आपको फाइनेंशियली रूप से इस शेयर के बारे में दिखा देता हूँ कैसे इसके क्वार्टरली बाई क्वार्टरली नतीजे आ रहे हैं और वहाँ से आपको समझ आएगा कि ये शेयर कितना दौड़ेगा। तो ये इस शेयर का चार्ट है और ये रैली और जो चार्ट ये नज़र आ रहा है वो इस बात के लिए आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं कैसे शेयर ज़बरदस्त मजबूती के साथ ऊपर की तरफ भागता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑलमोस्ट इस शेयर के अंदर सारी की सारी पॉजिटिव जो न्यूज़ आपको चाहिए वो मिलती हुई नज़र आएंगी। और सबसे बड़ी चीज़ है नंबर वन कंपनी है अपने सेगमेंट के अंदर, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। नंबर वन कंपनी के अंदर आपने पैसा लगाया है, नेट प्रॉफिट जिस हिसाब से इस कंपनी का क्वार्टरली बाई क्वार्टरली भागता हुआ दिखाई दे रहा है, 218, 145, 217 और 200 करोड़ का नेट प्रॉफिट, और ईयरली बाई ईयरली अगर ग्रोथ को अगर देखेंगे तो यहाँ पर नंबर काफ़ी मजबूती के साथ आपको दिखाई दे रहे हैं। जब से इस शेयर की लिस्टिंग हुई है 408, 480, 586 और 780 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट है वो कंटिन्यूसली इस शेयर की ग्रोथ को दिखाता हुआ नज़र आ रहा है कि कैसे ये शेयर भाग रहा है। अगर मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न को दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो FII हैं इस शेयर के ऊपर दौड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, कंटिन्यूसली वो इस शेयर के अंदर अपना पैसा लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यही रीज़न है कि सितंबर क्वार्टर के अंदर इस शेयर के अंदर जो होल्डिंग बनती हुई दिखाई दे रही है वो 3% से ज़्यादा की नज़र आ रही है। हालांकि DII ने अपना पैसा यहाँ से थोड़ा सा हटा लिया है, लेकिन उसके बावजूद FII ने मजबूत शेयर के अंदर अपनी मजबूत पकड़ बनाई हुई है।